So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blaster. So अपने लिए आ गया पार्ट 27 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है क्योंकि हमने पहले पार्ट में भी डिस्कस किया है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हजरत उमर अभी ईमान लेके आएंगे है ना, अभी उन्होंने दो तीन लाइन नहीं पढ़ी थी कलाम की, लेकिन वो फैन हो गए थे। सो अभी देखते हैं इस पार्ट में, बाकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना, और ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वो जाके आप चेकआउट कर लो और अपनी सजेस्ट करते रहे वीडियोस जैसी भी आप चाहते हो। इफ्ता जी बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, रोज इनकी ड्रेस चेंज हो रही है डेली हमारी तरह। सो बाकी करते प्ले, फिर करते बाकी बातें डिस्कस करें प्ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 27वां हिस्सा यानी पार्ट 27 है। थोड़ा हम रीकैप कर लेते हैं कि हमने 26वें हिस्से में क्या सुना, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि कल इतवार यानी संडे को हमारा कोई वीडियो नहीं आएगा, इसलिए आप कल इंतज़ार न करें। इंशाअल्लाह पीर को यानी मंडे को इसका 28वां हिस्सा आपके सामने हाजिर होगा, ठीक है? तो 26वें हिस्से में हमने सुना कि कैसी कैसी चाले मक्का वाले चल रहे थे। वो दिन रात यही सोचने लगे थे कि इस्लाम की आंधी को कैसे रोका जाए। उन्होंने हज से पहले प्लानिंग की, प्रोपेगेंडा तैयार किया, लोगों को मिल मिलकर समझाया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर हजरत हमजा ने इस्लाम को कबूल किया रजी अल्लाह तआला, फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जैसे बहादुर जो कि ईमान को ईमान वालों को सताने में उन्होंने कभी कमी नहीं की, वो भी एक दिन हुजूर के कत्ल के इरादे से चले नाउज़ुबिल्ला। रास्ते में हजरत साद से मुलाकात हुई, हजरत साद ने बताया कि उमर पहले अपने घर की खबर लो, इस्लाम तुम्हारे घर में पहुंच गया है, तुम्हारी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर तैश में आ गए, वो सीधे घर पहुंचे, बहन और बहन भाई को खूब मारा पीटा, लेकिन ईमान के सामने हार बैठे। कलाम पाक को सुना, अल्लाह ने दिल के अंधेरी दुनिया में ईमान का चिराग रोशन किया। कलाम पाक सुनकर रोने लगे और इस्लाम को कबूल किया। चलिए अब आगे सुनते हैं, ईमान कबूल करने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दारे अरकम के दरवाजे पर पहुंचकर हजरत उमर ने खुद दस्तक दी। सहाबा इकराम जो अंदर मौजूद थे उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के हाथ में नंगी तलवार देखकर दरवाजा खोलने में तामुल किया, यानी आगे पीछे हुए कि दरवाजा खोले या नहीं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हुजूर उमर नंगी तलवार लेकर बाहर दरवाजे पर खड़ा है, क्या करें? हुजूर ने इत्मीनान से फरमाया कि दरवाजा खोल दो, उसे आने दो। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि आने दो, अगर उमर का इरादा नेक है तो खैर, वरना उसी की तलवार से उसका सर उड़ा दिया जाएगा। चुनांचे दरवाजा खोला गया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अंदर दाखिल हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको घर में दाखिल होते हुए देखा तो आगे बढ़े और हजरत उमर का दामन पकड़कर कहा और जोर से झटका और फरमाया कि उमर क्या तू बाज नहीं आएगा? हजरत उमर ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं ईमान लाने के लिए हाजिर हुआ हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनते ही खुशी और मसर्रत से नारा तकबीर बुलंद किया, बुलंद आवाज में अल्लाहु अकबर कहा, और जो साथ में तमाम सहाबा जो उस वक्त दारे अरकम में मौजूद थे सब ने जोर से इस कदर अल्लाहु अकबर कहा कि मक्का की पहाड़ियां गूंज गई। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को देखकर मुस्कुराया और इस एक मुस्कुराहट ने उमर को सब कुछ दे दिया, हिदायत, सादत, बरकत, कामयाबी, सब कुछ हजरत उमर को मिल गई। जो हुजूर को कत्ल करने चले थे आज हुजूर के गुलाम बन गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के इस्लाम लाने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम को ताकत मिल गई। और उधर मक्का वाले खुशखबरी के इंतजार में थे,
वो तो सोच रहे थे कि उमर ने मोहम्मद का काम तमाम कर दिया होगा। अभी खदीजा की रोने की आवाजें सुनाई देगी, अबू बकर व अली की चीखें सुनाई देगी, ईमान वाले अपना सीना पीट रहे होंगे, कितना जमाना हो गया हम परेशान हैं, आज उमर की गैरत ने हमारा काम कर दिया होगा। मगर कुदरत उनके इरादों पर और उनकी खुशफहमी पर हंस रही थी, गोया कुदरत यूं कह रही थी कि अरे नादानों, तमन्नाओं के जिन कमजोर खिलौनों से तुम अपने दिल को बहला रहे हो वो बहुत जल्द टूटने वाले हैं। तुम्हारे उम्मीदों के बाग उजड़ तो सकते हैं मगर लहलहा नहीं सकते, क्योंकि मोहम्मद से जंग खुद खुदा से जंग है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ईमान लाने के बाद सीधा अबू जहल के घर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। वो दुश्मन इस्लाम बाहर आया और बड़ी खंदा पेशानी से झुककर हजरत उमर का वेलकम किया, अहलन सहलन मरहबा, और काम के बारे में पूछा, उमर काम हो गया? हजरत उमर रज़ी अल्लाह फरमाया कि हां खुदा का शुक्र है काम हो गया, मैं ईमान ले आया, मैं मुसलमान हो गया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी मोहम्मद को रसूल मानता हूं। यह सुनते ही अबू जहल झल्ला गया और पैर पटकता हुआ और बालों को नोचता हुआ वापस अंदर चला गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उसकी बेबसी पर मुस्कुराते हुए वापस हो गए। इसके बाद हजरत उमर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और जाकर अर्ज किया कि हुजूर अब हमको छुपकर और पोशीदा तौर पर घरों में नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अभी अलल ऐलान खाने काबा में नमाज पढ़ी जाएगी और कोई भी हमारे रास्ते में आएगा तो उमर उसका मुकाबला करेगा। फिर क्या था, बिला रोक टोक ईमान वाले खाने काबा में नमाज पढ़ने लगे और इस्लाम को फैलाने का काम अब अलल ऐलान छुप कर नहीं अलल ऐलान होने लगा। यह नबूवत के छठे साल के आखिरी महीने का वाकया है। उस वक्त हजरत उमर की उम्र यानी एज 33 यानी 33 साल की थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के ईमान लाने के बाद मक्का में ईमान वालों की तादाद 40 हो गई थी और यह तादाद हबशा में जो ईमान वाले थे उस तादाद के अलावा थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के ईमान लाने से कुरैश को और मक्का वालों को बहुत गहरा सदमा पहुंचा था और उधर ईमान वाले खाने काबा में अलल ऐलान खुलेआम नमाज भी पढ़ने लगे थे और बहुत सारे ईमान वाले हबशा में नजाशी बादशाह की पनाह में आराम से रह रहे थे, उन पर मक्का वालों का कोई जोर भी नहीं चलता था। और इधर हजरत हमजा और हजरत उमर की वजह से मक्का में ईमान वालों पर वो बिला डर और खौफ के हाथ भी नहीं डाल सकते थे, इसलिए मक्का वाले अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर वो करे तो क्या करे। चुनांचे कुरैश ईमान वालों की इस बढ़ती हुई तादाद और उनकी फतेह को हाथ बांध कर नहीं देख रहे थे, बल्कि वो अपनी कोशिशों में लगे हुए थे और तरह तरह की तरकीबें सोचते रहते थे जिससे ईमान वालों की बढ़ती तादाद को रोका जा सके और जो ईमान ला चुके हैं वो किसी तरीके से नबी की पैरवी करना छोड़ दें, क्योंकि सिर्फ 4 हफ्तों में 4 बड़े बड़े धक्के और धचके मक्का वालों को लगे थे। एक हजरत हमजा का इस्लाम लाना, फिर हजरत उमर का इस्लाम लाना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का मक्का वालों के सारे ऑफर को ठुकरा देना और फिर बनू हाशिम और बनू अब्दुल मुत्तलिब ने मिलकर हुजूर की हिफाजत की जो कसम खाई थी, ये 4 ऐसे बड़े बड़े धचके थे, ऐसे 4 बड़े बड़े धक्के थे जो मक्का वालों को अभी ताजा ताजा लगे थे, जिससे वो बेहद परेशान थे। इसी मकसद से वो एक मरतबा फिर जमा हुए, एक बड़ी मीटिंग की और इस मीटिंग में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके तमाम मददगारों का मुकाबला करने के लिए नई नई स्कीमों पर नए नए प्लान्स पर गौर खौस किया गया। काफी सोच और विचार के बाद उन सब लोगों ने यह तय किया कि अब मोहम्मद को और उनके साथियों को तकलीफें देकर कत्ल गारत गिरी कर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अब हम आखिरी बार
अबू तालिब के पास जाएंगे और अगर वो अभी भी मोहम्मद को हमारे हवाले नहीं करते तो अब हम मोहम्मद का, उनके तमाम साथियों का, उनके तमाम हिमायतियों का पूरी तरह से मुकम्मल सोशल बायकॉट कर देंगे। उनसे मिलने जुलने वालों का और लेन देन करने वालों का भी बायकॉट कर दिया जाएगा। ना उन लोगों से कोई सलाम कलाम किया जाएगा, ना उनसे कोई चीज खरीदी जाएगी, ना उनसे कोई चीज, ना उनको कोई चीज बेची जाएगी। गर्ज के उनके और हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा, ना कोई वास्ता होगा, ना कोई मतलब होगा। बिल्कुल उनको हमारे समाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाएगा। इस फैसले को और ज्यादा पक्का और मजबूत करने के लिए उन्होंने इन सारी बातों को एक कागज पर, एक सहीफे पर लिख लिया और सबकी उस पर दस्तखत भी ली, यानी सबकी गवाही ली कि हम सब इसकी पूरी पूरी पाबंदी करेंगे। बड़े बड़े सरदारों ने भी इन बातों पर कसम खाई और फिर उस कागज को, उस सहीफे को काबे में ले जाकर टांग दिया ताकि कोई उसमें तरमीम न कर सके, रद्दोबदल न कर सके, संशोधन न कर सके और इन फैसलों से कोई फिर न सके। उसके बाद कुरैश की एक जमात बनू अब्दुल मुत्तलिब और अबू तालिब और जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिमायती थे, जो आपके मददगार थे, जो आपका ताउन करते थे, मुआविन थे, उनके पास गई और उनसे कहा कि देखो, आपके सामने दो रास्ते हैं, दो सूरतें हैं, दो शक्लें हैं, आप उनमें से कोई एक कबूल कर लीजिए। पहली सूरत तो यह है कि आप मोहम्मद को हमारे हवाले कर दीजिए ताकि हम उसको कत्ल कर दें, नऊज़ बिल्लाह। इस तरह आपको भी आराम हो। मैं बड़े टाइम से ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, लास्ट कुछ वीडियो से यार बोलते हैं, पर ये वर्ड अभी यूज करते हैं कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ इन्होंने, मतलब ऐसा कहा हो जैसे अभी कहा, गलत कर दे, प्रॉफिट मोहम्मद का जैसे, तो ऐसा जब कोई ऐसा वर्ड आया प्रॉफिट मोहम्मद, जैसे हमने पहले भी कहा था कि हम सर्च नहीं करेंगे, चुनांचे का भी हमने सर्च नहीं किया, अब नऊज़ बिल्लाह का भी आप बताना मेरे को, ऐसा वर्ड का पूरा प्रॉपर मीनिंग बताना, ये पता लग गया कि यूज क्यों करते हैं। और इसके बदले में हम आपको बहुत सारा तावान देंगे, यानी बहुत सारा रुपया पैसा आपको देंगे। वरना दूसरी सूरत यह है कि अगर आप लोग नहीं माने तो पूरे मक्का वाले आप सब लोगों का बायकॉट कर देंगे, कता ताल्लुक कर देंगे। हम आपसे ना कोई बात करेगा, ना आपको कोई सामान बेचेगा, ना आपसे कोई सामान खरीदेगा और इस तरह आप सब लोग भूखे मारे जाएंगे। अब बताओ आपकी क्या राय है। इस पर बनू अब्दुल मुत्तलिब, यानी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, अबू तालिब और जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार मुआविन की जमात थी, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले करने से साफ साफ इनकार कर दिया और कुरैश की जमात से कहा कि हम किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर मोहम्मद को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते। उसके बदले में हम कितनी भी परेशानियां, कितने भी चैलेंजेस कबूल करने के लिए तैयार हैं। फिर मक्का वालों ने कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं मानते फिर तुम्हारे और हमारे दरमियान एक दीवार अब खड़ी हो गई है, अब हम तुम्हारे सबका मुकम्मल बायकॉट करते हैं। इस तरह कुरैश ने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद का, बनू हाशिम का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा का, ईमान वालों का और जो ईमान नहीं लाए थे लेकिन हुजूर के मददगार थे, हुजूर को सपोर्ट करते थे, वो भी उसमें शामिल थे। सिर्फ अबू लहब इस बायकॉट से अलग रहा क्योंकि वो शुरू से ही मक्का वालों के साथ था, जो ईमान वालों का मजाक उड़ाने में, उनको गालियां देने में सबसे आगे आगे रहता था। यह पहला आदमी था अबू लहब जिसने सारे लोगों को ईमान वालों के मजाक करने के लिए, दुश्मनी करने के लिए उकसाया था और इसी ने बायकॉट की बात भी शुरू की थी। इस तरह बनू हाशिम और ईमान वाले और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सारे मक्का वालों से कटकर एक घाटी में कैद होकर रह गए जो शेब अबी तालिब के नाम से मशहूर है। मक्का वाले कोई भी
इन लोगों से यानी सहाबा से, हुजूर से और हुजूर की हिमायतियों से कोई मामला नहीं करता था। ना कोई राशन उन तक पहुंचने देता था, ना कोई चीज उनसे खरीदता था, ना उनको कोई चीज बेचता था, सिवाय चार मोहतरम महीनों के, जिनमें अरब हर किस्म की लड़ाई झगड़ा रोक देते थे। इन्हीं चार महीनों के अंदर ईमान वाले और सहाबा उस कैद से बाहर निकल सकते थे और हाजी लोग इन्हीं मोहतरम महीनों में मक्का में आकर जमा होते थे। वो मोहतरम चार महीने कौन से थे, मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, ज़िकादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब के वो महीने थे। मक्का के करीब ताजिर अपनी दुकान लगाते थे, बाजार लगाते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं चार महीनों में भी उनके पास जाते थे, उन्हें अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते थे, उन्हें जन्नत की खुशखबरी देते थे, जहन्नम से डराते थे और कहते थे कि अल्लाह को एक मान लो, मैं खुदा का पैगंबर हूँ और आखिरत की एक ज़िंदगी है जो मरने के बाद आने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हालात में भी आपने दीन का काम नहीं छोड़ा, आप मुसलसल दीन का काम और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का काम किया करते थे। इस कैद और बंद और बायकाट की वजह से ईमान वालों को बड़ी बड़ी तकलीफें उठानी पड़ी। जितना गल्ला, जितना राशन वो साथ लेकर गए थे वो जल्दी ही खत्म हो गया। भूख और प्यास जब हद से बढ़ जाती तो ये लोग कीकर के पत्ते खाकर वक्त गुजारते। सहाबा के बच्चे भूख से बिलबिलाते, तड़पते, यहां तक कि उनकी आवाज घाटी के बाहर भी सुनाई देती। और ये संगदिल मक्का वाले, ये पत्थर दिल मक्का वाले बच्चों की बिलबिलाहटों को सुनकर खुश होते थे, कह कह लगाते थे, हंसते थे। जब भी मक्का में कोई गल्ला या खाने पीने की चीज कोई बेचने आता, कोई ताजिर वो चीजें लेकर आता तो मक्का वाले लपक कर वो चीजें खरीद लेते ताकि ये गल्ला, ये राशन घाटी तक ना पहुंच सके। मगर सब लोग ऐसे नहीं थे, उनमें भी बहुत सारे रहम दिल लोग भी थे जो इस जुल्म को पसंद नहीं करते थे। वो लोग ऐसे हंसने वालों को बुरा भला कहते थे, उन्हें डराते थे कि तुमने मंसूर बिन इकरमा का हाल अपनी आंखों से नहीं देखा। ये मंसूर बिन इकरमा वो कुरैश का वो आदमी है जिसने ये बायकाट वाला मुआहिदा, ये एग्रीमेंट अपने हाथ से लिखा था। फिर अल्लाह की कुदरत देखिए कि उसका वो हाथ जिससे उसने वो एग्रीमेंट लिखा था, उसे पैरलिस का अटैक आया, यानी उसका हाथ शल हो गया और फिर जिंदगी भर अच्छा नहीं हुआ। इस घाटी की कैद में जो ईमान वालों ने मुसीबतें उठाई उसका अंदाजा आपको इससे हो सकता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत साद बिन अबी वक्कास एक मरतबा रात के अंधेरे में कहीं जा रहे थे, उनका पैर किसी गीली चीज पर पड़ा। वो इस कदर भूखे थे कि उन्होंने फौरन उसे उठाया और बगैर देखे उसको निगल लिया। हजरत साद बिन अबी वक्कास का ही दूसरा वाकिया है कि एक मर्तबा वो रात के वक्त पेशाब के लिए निकले तो रास्ते में ऊंट की खाल का एक सूखा टुकड़ा, यानी चमड़े का एक टुकड़ा उनको मिल गया। उन्होंने जल्दी से उसे धोकर आग पर जलाया, उसको कूट कर उसका आटा, उसका सुफूक बनाया, फिर पानी के साथ उसको पी लिया। ऐसी कई रातें सहाबा ने गुजारी। बायकाट की मुद्दत बढ़ती चली जा रही थी लेकिन बनू हाशिम, बनू अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा निहायत हिम्मत के साथ इस मुसीबत का मुकाबला करते रहे। उन्होंने इस हालत में भी, इस मुसीबत में भी, इस भूख और प्यास की शदीद हालत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई गफलत नहीं बरती और ना आपको कुरैश के हवाले करने पर वो तैयार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते चचा अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख्याल रखते, आपके बराबर में लेटते ताकि आपकी हिफाजत कर सके। अगर चचा अबू तालिब को कहीं काम पर जाना भी होता या कहीं किसी और मकसद से बाहर निकलते या हुजूर से अलग होते तो अपनी औलाद में से किसी को उनके पास छोड़कर जाते ताकि उनकी जगह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर सके। जिनका बायकाट किया गया था यानी बनू हाशिम, बनू अब्दुल मुत्तलिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा, इनके जो रिश्तेदार थे वो थोड़ी थोड़ी इनके साथ हमदर्दी किया करते थे और छुप छुप कर उनके पास खाना पहुंचा दिया करते थे। अगर ये रिश्तेदार बाहर के अगर ऐसा ना करते तो बहुत जल्दी बहुत सारे लोग भूख से मर जाते। ऐसे में ही एक शख्स हकीम बिन हिजाम भी थे।
वो अपनी फूफी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला के पास खुफिया तरीके से छुपकर खाना पहुंचा दिया करते थे, जिसको अम्मा जान हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला लोगों में तकसीम कर दिया करती थी। इस तरह हिशाम बिन अम्र भी ऐसे एक शख्स थे जो ऊँटों पर खाना और कपड़ा लाद कर रात के वक्त उस घाटी के करीब लेकर आते और जब बिल्कुल घाटी के करीब पहुंच जाते तो ऊंट को घाटी की तरफ हाँक दिया करते थे और इस तरह तमाम सामान इन मजबूर और बायकाट किए हुए लोगों तक पहुंच जाता था। जब अम्र बिन हिशाम या फिर हकीम बिन हिजाम की ये बातें कुरैश तक पहुंची तो उन्होंने उनको भी बहुत तकलीफें दी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये मदद का सिलसिला बंद नहीं किया। आज के लिए इतना काफी है, मतलब अच्छा उस टाइम पे भी इनको मतलब ये सिस्टम था ना बायकॉट एंड ये वाला, क्योंकि किस तरह से जो सहाबा को जो है सुन के हैरान हो रही हूँ कि ऊंट की खाल का छोटा सा टुकड़ा ना उसको गर्म करके उसको कूट के ना पानी के साथ पी लिया, और कैसे कैसे कुरेशियों ने और जो मक्का वाले ने बायकॉट कर दिया मोहम्मद साहब को, देन सहाबा को है ना, ईमान जो ईमान लाने वाले थे सबको ने बायकॉट कर दिया ना, जो भी सामान बाहर से आता था बेचने के लिए वो वहीं पे खरीद के ना मक्का में खरीद के खुद वो कर लेते, लेकिन आगे घाटी तक जाने का उन्होंने बिल्कुल भी रास्ता नहीं छोड़ा था। सो मतलब ये एक बहुत ही स्ट्रगल हम कह सकते हैं कि उन्होंने किया है, बाकी आगे देखते हैं हम कि मतलब बहुत कम लोगों ने ईमान जो लाया, लेकिन इस्लाम फैलना बहुत मुश्किल से फैलाया है। ये सुनना है कि मक्का वालों को ऐसे कैसे एक्सेप्ट किया होगा। वहाँ से मक्का से भी निकाल दिया हमको बाद में मदीना के लिए, वो बात की बात है, वो देखेंगे हम। सो बाकी फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।